अथ श्री रुद्रचंडी कवचम। श्री कार्तिकेय उवाच कवचम चंडिका देव्या श्रोतुमिच्छामि ते शिव यदि तेस्ति कृपानाथ कथयस्व जगत्प्रभो। श्री शिव उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि चंडिका कवचम शुभम भक्ति मुक्ति प्रदातारमायुष्यं सर्वकामदं दुर्लभं सर्वदेवानां सर्वपापनिवारणं मंत्रसिद्धिकरं पुंसां ज्ञानसिद्धिकरं परम्। ॐ अस्य श्रीरुद्रचंडिका कवचस्य श्री भैरव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री चंडिका देवता चतुर्वर्ग फल प्राप्त्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम श्री भैरव ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे श्री चंडिका देवतायै नमः हृदि चतुर्वर्ग फल प्राप्त्यर्थं पाठे विनियोगाय नमः सर्वांगे। चंडिका मे ग्रतः पातु आग्नेयां भवसुंदरी यां यां पातु महादेवी नैरृत्यां पातु पार्वती वारुणे चंडिका पातु चामुंडा पातु वायवे उत्तरे भैरवी पातु ईशाने पातु शंकरी पूर्वे पातु शिवा देवी ऊर्ध्वे पातु महेश्वरी अधः पातु सदानंता मूलाधार निवासिनी मूर्ध्नि पातु महादेवी ललाटे च महेश्वरी कंठे कोटीश्वरी पातु हृदये नलकूबरी नाभौ कटि प्रदेशे च पाया लंबोदरी सदा ओर्वोर्जान्वः सदा पाया त्वचं मे मदलालसा ओर्ध्वे पार्श्वे सदा पातु भवानी भक्तवत्सला पादयोः पातु मामीशा सर्वांगे विजया सदा रक्तमांसे महामाया त्वचि मां पातु लालसा शक्रमज्जास्थि संघेषु गह्यं मे भुवनेश्वरी ओर्ध्वकेशी सदा पायान् नाडी सर्वांग संधिषु ओम ऐं ऐं ह्रीं ह्रीं चामुंडे स्वाहा मंत्रस्वरूपिणी आत्मानं मे सदा पाया सिद्ध विद्या दशाक्षरी इत्येतत् कवचं देव्या चंडिकाया शुभावहम् गोपनीयं प्रयत्नेन कवचं सर्वसिद्धिदं सर्वरक्षाकरं धन्यं न देयं यस्य कस्यचित् अज्ञात्वा कवचं देव्या यः पठेस्तवमुत्तमम् न तस्य जायते सिद्धिर्बहुधा पठनेन च धृत्वैदत्कवचं देव्या दिव्यदेहधरो भवेत् अधिकारी भवेदेतच्चण्डी पाठेन साधकः। इति श्रीरुद्रामलतन्त्रे शिवकार्तिकेयसंवादे रुद्रचण्डीकवचं सम्पूर्णम्।